वो नाम जिसके वजह से यूपी में वक्त से पहले चुनाव का बिगुल बज गया है। दारा सिंह ने सपा छोड़ी तो बीजेपी ने तगड़ा दांव खेला और घोसी सीट पर जीत की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सपा भी कहां पीछे रहने वाली थी। सपा ने भी अपना तोरूप का इक्का निकाला और अपने दिग्गज नेता सुधाकर सिंह को मैदान में उतार दिया। आज इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता से वो देख के पूरी तरीके से विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में ये विरोधी दल के जो कैंडिडेट हैं बौखलाहट में कि पूरी तरीके से 8 सितंबर को इनका सफाया होने जा रहा है घोसी से। ये भारतीय जनता पार्टी दलितों अगड़ों पिछड़ों की त्रिवेणी है कि 15 बरस से घोसी की माटी को बाहरियों ने कब्जा कर लिया है। ये आते हैं चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के भाग जाते हैं, कभी यहाँ रहते नहीं है, रात को रात विश्राम भी नहीं करते हैं। और जो सामने प्रत्याशी हैं, नहीं सुनोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, यदि जो मेरे सामने प्रत्याशी हैं या पहले बहन मायावती ने इनको राज्यसभा में भेजा, फिर लोकसभा में भेजा, लोकसभा में नेता रहे, उनको धोखा दिया। और यूपी के घोसी सीट पर कल उपचुनाव है, यानी कल मतदान और 8 को मतगणना। लेकिन मतदान से पहले राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी हो या सपा, सभी के लिए घोसी की सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, जिसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उपचुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली और चुनावी समर में बीते दिनों मऊ के मंच से हुंकार भरी। घोसी के उपचुनाव के महत्व को वही समझ पाएगा जिसने 2005 में मऊ के दंगों को नजदीक से महसूस किया होगा। याद करिए, 2005 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी और दंगावाद और माफिया असला लहराते हुए कहीं यादवों की हत्या कर रहे थे, कहीं दलितों की हत्या कर रहे थे। तब न सपा की सरकार उन माफियाओं का कुछ कर पाई थी और न ही कांग्रेस के मुंह से कोई गोली निकल रही थी। तब गोरखपुर में मैं सांसद था और तब इन दंगावादियों के खिलाफ लड़ने के लिए मैं ही गोरखपुर से चला था। मतलब साफ है कि योगी ने इस चुनाव में एक बार फिर अपराध के मुद्दे को उछाला है और पिछली सरकारों पर हमला बोला, साथ ही सपा को दंगा कराने वाली सरकार बताया है। याद करिए, ये दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगावादियों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। ये जो माफिया सवा लहराते थे आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। लेकिन एक तरफ योगी गरज रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश भी तैयार है। जो नुक्कड़ हो या चुनावी सभा, हर मंच से सरकार को निशाने पर ले रही है। अखिलेश जहां जा रही हैं, वहां कभी विकास को मुद्दा बना रही हैं, तो कभी अग्निवीर और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी पर तीखी टिप्पणियां कर रही है। हमारा नौजवान पूरी जीवन भर वर्दी पहन करके पक्की नौकरी कर करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। बताओ, आधी अधूरी नौकरी से कोई सेवा होगी? इसलिए नौजवानों, जहां किसानों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया इन्होंने, और उत्तर प्रदेश की 6 साल के लगभग की सरकार में उन्होंने जनता को कितनी राहत दी है, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने पुल बने हैं, कितनी स्वास्थ्य इंतजाम बेहतर हुए हैं, कितनी शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं, या नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है। लेकिन घोसी का उपचुनाव केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, यह अब इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में तब्दील हो चुका है।
जिसमें इंडिया और एनडीए अब आमने सामने आ गई हैं। तभी तो अखिलेश के मुंह से चुनावी सभाओं में इंडिया गठबंधन का नाम बार बार लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, खुद कांग्रेस के नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सुधाकर सिंह को चुनाव जिताने की अपील कर दी है। जब से समाजवादी और देश के दल एक हो गए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। न केवल गठबंधन से घबराए हुए हैं, इसलिए ये घोसी का चुनाव जहां केवल एक विधानसभा का है, लेकिन ये संदेश पूरे देश में देने जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं अपने सभी साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भाइयों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि घोसी का उपचुनाव हो रहा है। घोसी के उपचुनाव में सभी लोग समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुधाकर सिंह जी को अपना पूरा समर्थन सहयोग करें और उनको पूरी ताकत के साथ उनका कार्य करें और भारी से भारी मतों से उनको चुनाव जिताएं, यही हम सबका निवेदन है, आग्रह है। बहरहाल इस समय घोसी की लड़ाई प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, जिसमें एक ओर दारा सिंह चौहान है तो दूसरी ओर सुधाकर सिंह। दारा सिंह चौहान को एक बार फिर पाला बदल कर अपना जनमत साबित करने की चुनौती है तो दूसरी ओर सुधाकर सिंह को अखिलेश और घोसी की जनता का भरोसा जीतने की पहाड़ जितनी चुनौती, जिसे हर कोई जीत के साथ पार पाना चाह रहा है। लेकिन ये तो नतीजे बताएंगे कि घोसी का उपचुनाव कौन जीतेगा और कौन हार का स्वाद चखेगा। ये रिपोर्ट।